फार्माक्यूटिकल साइंस में बी फार्मा के फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं की अचानक फीस में बढ़ोतरी होने पर उनमें काफी रोष व्याप्त है। इंदौर के अलवासा गांव में स्थित कॉलेज के मामले में विद्यार्थी आंदोलन की बात कह रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब हमारा एडमिशन करवाया गया था तब फीस 64,500 बताई गई और अब अचानक से आधे साल में 81,000 कर दी गई, जिसमें सभी छात्र एवं उनके माता पिता परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि हमने एजुकेशन लोन तो 64,500 का करवाया है तो हम बाकी की फीस कैसे भरेंगे। कॉलेज में छात्रों ने HOD से निवेदन भी किया कि हम इतनी फीस नहीं भर पाएंगे, तो HOD का कहना है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये मध्य प्रदेश शासन की प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के आदेश अनुसार फीस निर्धारित की गई है। तो सभी छात्र छात्राओं का कहना है कि किसी भी कॉलेज में बीच सेशन में फीस नहीं बढ़ाई जाती। अगर हमें पता रहता कि इस कॉलेज में इतनी फीस एक सेमेस्टर के बाद बढ़ाई जाएगी तो हम किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते। साथ ही स्टूडेंट्स का कहना यह भी है कि अब एक ही तरीका है कि हम पढ़ाई छोड़ दें। स्टूडेंट का यही कहना है कि उन्हें न्याय दिया जाए। सोल्यूशन पे अपन बात करते हैं, ठीक। हमें अकाउंटिंग गवर्नमेंट को दिखानी है, हमें आपसे पैसा लेना ही पड़ेगा। अब हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें इस पे अपन बात करते हैं। सर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता सर, ठीक है। तो फिर आप एक काम करें, अपने अपने पेरेंट्स से बात कर लें। सर कर लिए, बुला लें पेरेंट्स को, बात पेरेंट्स से बुला लें, पेरेंट्स से बात कर लेते हैं। जो भी आपको भले हमारे कोई समस्या नहीं, बट अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी जीरो जाएगा तो हम बता भी पाएंगे ना। चलिए सेशन जीरो होगा तो हमें अकाउंट ही नहीं दिखानी पड़ेगी, ये होगा ना। आप लोग ना कहे देखेंगे फिर, यही कर सकते हैं।